वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर के बज गए हैं 12:30, क्या एक ही बजने वाला है, तो 10 मिनट रह गए। अब बस खाना बनाना, अभी अभी ईशु की क्लास ख़त्म हुई है और उसका काफ़ी सारा होमवर्क दे रखा, क्योंकि जो हमारी क्लासेस लेट चली थी तो होमवर्क मैडम ने पहले करा दिया था, वो नहीं हुआ तो वो कराया है थोड़ा सा मैंने, इसलिए लेट होगी। और अभी भी और रह रहा है, मैडम ने कहा है कि कल तक सारा करा देना, वरना कल से फिर दूसरी क्लास से चल जाएंगी और होमवर्क और भी देना शुरू कर देगी, तो फिर ये मतलब छूट जाएगा। तो इस वजह से मैं 2 दिन से इसके होमवर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, लग रही उसके साथ। अभी उसने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और वो लग गई मोबाइल में, रेस्ट कर रही है। अब कह रही मम्मा थक गई, हाथ भी दुख गया तो मोबाइल में लग गई। आज क्या बनाऊँ खाने में, क्या खाओगे खाने में? आज बना ले मिठाई। अच्छा रोटी खाने के आज? रोटी तो बनाएगी। रोटी की छुट्टी? रोटी की छुट्टी नहीं, रोटी बनाई है। कभी मिठाई मिठाई में काम चलेगा? मिठाई भी ना चल जाएगा, रोटी भी ना नहीं चलने का काम। अच्छा जी, ऐसा कैसा? नहीं या तो मिठाई खा लो या रोटी खा लो, एक तो बच गया होता। तो खाना बना, खाना बनाने के बाद में रेस्ट कर लिया रोटी खा के, फिर उठ के तब बनाइए मिठाई। बस सारा दिन इसी में ही फेरी सुखा। मैं हेल्प करवा दे, मैं हेल्प करूंगा। चलो चलो जी, अब तो बनाऊंगी खाना। और खाने में ही सुना आज कहा कि दाल चावल खाने, मुझे बहुत दिन हो गए दाल चावल बनाए हुए, बच्चे दोनों ही कह रहे, तो अब खाना बनाऊंगी। अब अगर टाइम लगा तो फिर मिठाई बनाऊंगी। मिठाई क्या की बनाऊं? बेसन वाली कृष्णा के बर्थडे पर भी मिठाई नहीं बना पाए जब टाइम नहीं लगा हमारा, वरना 1-2 तो बना ही लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को भी लग रहा कि मिठाई खाए नहीं बहुत दिन हो गए, उस दिन केक ही लाए थे वही ख़त्म हो गया था जब भी। तो मैं मिठाई भी बनाऊंगी आज, और पहले बना लेती हूँ खाना। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले खाना बना के और फिर मिठाई दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे बना। और एक दिन वो बना, मैं स्प्रिंग रोल बना एक दिन। अच्छा, बस रोज रोज सारी तो फरमाइश पूरी करो जाओ, खांसी ठीक नहीं होती खाने को दियो जाओ, हर बार जीभ ना रुके। नहीं मैं तो बहुत कंट्रोल करूँ ऐसी चीज पे। ये तो सुन के रख दे बेचारे साइड में। देख लाज परोठे तो नहीं खाए, 3 परोठे खाए बस। अच्छा, तेरी वजह से मैंने मगर बस ज्यादा नहीं भाई, 3 परोठे बस सुबह नाश्ता। बस 3 बजे चल गया काम। वाह वाह वाह, अब खाए नहीं जब यो आले, जब खाते तो कितने गत्ते मेर बताइए। अच्छा, दही दही नहीं खाई उसके? हां दही तो खाई नहीं है, तो कह रहे चाय बनवाई स्पेशल। आज तो मुझे भी ऐसा ही हो रहा, देखो मुंह में खुजली हो रही है, ऐसा हो रहा जैसे कोल्ड हो गया। ये एलर्जी सी है आपका ही हो रही है, आप तो ही लग रही है हमारे। तो चलो बस मैं पहले दाल चावल बना लूं और फिर बनाऊंगी मिठाई। ठीक, खाना बन के तैयार हो गया। ये बन गए चावल, दाल और रोटी। तो अब मैं इन्हें लगा के दे देती हूँ खाना फटाफट से। ऐसा तो 1:30 बज गया, देखूंगी अगर मिठाई बनाने का टाइम लगेगा तो, नहीं तो फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम के टाइम बनाऊंगी जब चाय पियूंगी। आ जाइए आप भी खा लीजिए आकर खाना। खाना है तैयार, दाल चावल। बेसन की मिठाई बनाने के लिए मैंने ये ले लिए हैं सामग्री। ये बेसन है, ये है मिल्क पाउडर, चीनी, ये दोनों चीनी है, और ये है देसी घी। जितना हमारा घी है इतना ही हमारा मिल्क पाउडर है, और चीनी इससे डबल है, और ये जो बेसन है ये है 1.5 बाउल, 1 और आधा। तो ये मैंने मेजरमेंट करके ले लिया सारी चीज़ें। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन को छान लेंगे हम। सबसे पहले हमने छान लिया है बेसन, क्योंकि बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे डली वगैरह भी होती है सुरसुरी भी हो जाती है, वो साफ हो जाता है। तो उसके बाद रख लिया है कढ़ाई गैस पर, और घी डाल लिया है कढ़ाई में। घी को गर्म कर लेंगे और फिर ये बेसन डाल देंगे उसके अंदर, और इसको भून लेंगे अच्छे से। बेसन को बहुत अच्छे से भूनना है। जब हम डालते हैं तो थोड़ा सा टाइट लगता है, हमें लगता है कि घी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग घी बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर बाद में जब भुन जाता है तो देखिए ये घी छोड़ देता है, बेसन इस तरह का हो जाता है, मतलब लिक्विड हो जाता है।
तो यहाँ बेसन भुन गया है और मैंने उतार ली है कढ़ाई, खुशबू आने लगी थी और कलर भी चेंज हो गया था हल्का सा। तो जब बेसन भुन गया कढ़ाई उतारने के बाद, फिर जो मिल्क पाउडर हमने लिया है वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे, एकदम सारा नहीं डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको काफ़ी देर चलाते रहेंगे जिससे इसमें डली ना बने। तो ये बेसन भुनकर तैयार हो गया, अब मिला भी दिया है हमने इसमें मिल्क पाउडर। और अब इसके बाद बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए एक बर्तन रख लेंगे गैस पर, चीनी डाल लेंगे और जितनी हमारी चीनी है उससे हाफ हम उसमें डाल लेंगे पानी। 2 बाउल ये चीनी थे, 1 बाउल मैंने इसमें पानी डाल लिया। और इसमें हमें तार वाली चाशनी बनानी है, जो एक तार वाली चाशनी होती है वो। तो यहाँ ये देखिए चाशनी बनकर भी तैयार होगी। अब ये थोड़ा थोड़ा करके जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था उसमें डाल लेंगे इस चाशनी को। ये भी हम एक साथ पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ही डालेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो चाशनी है हमारी वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, जो बेसन है वो फूलता है काफ़ी, तो इसलिए हमें थोड़ी सी चाशनी ज़्यादा रखनी पड़ती है। बेसन फूल कर फिर वरना टाइट सी हो जाती है। मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि बाद में कि मेरी थोड़ी कम रहेगी, तो इससे मुझे लगा है कि बेसन फूलता है तो इसलिए इसे चाशनी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो चाशनी हमने सारी मिक्स कर ली और देखिए कितना काफ़ी गाढ़ा ये पेस्ट बन गया हमारा, लेकिन सॉफ्ट बनी थी फिर भी ये बहुत ज़्यादा। तो ये हमने एक थाली में घी लगाने के बाद इसको हमने सेट कर दिया है अच्छी तरीके से और थोड़ी देर के लिए रख दिया है फैन के नीचे। इसको जमने में 5 मिनट भी नहीं लगी और बहुत ही अच्छी और बिल्कुल सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई थी। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको सेट कर दी और फिर रख दिया है फैन के नीचे 5 मिनट के लिए। बर्फी देखिए जम गई है, मैंने पीस इसके काट दिए और ये देखिए निकल गई, जम गई। खैर मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे जम जगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। खाने में भी ऐसे लगती है जैसे मावे की बर्फी होती है ना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी डल रहा है इस वजह से। तो ये बर्फी हमारी बनकर तैयार होगी टेस्टी टेस्टी। अब मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दूंगी और फिर सबको सबको दे दूंगी, पूछ लूंगी कि कैसी लगी। तो मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और इसके बाद भैया ले आए थे भुट्टे, तो उन्होंने वे भुनने हैं और बच्चे जिद कर रहे थे खाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का माहौल पूरा। हम आए हुए छत पे, आज सारे के सारे बच्चे फुल, और शाम के टाइम ये आ गया था ऑटो वाला, सब्जी वाला आ गया था। तो सब्जी वाला आने से क्या हुआ कि वो ले रहा था मक्की, इन्होंने जिद करके मक्की ले ली है। अब मैं दिखाता हूँ मक्की और भूननी भी कैसे है। और इन्होंने ये ली है मक्की, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। और सारे ये सारे जिद कर रहे हैं कि डैडी बना के दो। अब जो मक्की है अगर हम गैस पे बनाते हैं तो गैस पे इतना मज़ा नहीं आता उसका खाने का, जो कि वैसे नॉर्मल जो आग जला के भुट्टे भूनते हैं उनमें आता है कोलों में। और ये देखिए कृष्णा भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये देखिए नमक भी लेके आए थे। और ये कृष्णा के हाथ में नींबू है, दिखाना नींबू कहाँ है, ये नींबू है। और ये है छलियाँ, और यहाँ तैयारी हो रही है। ये देखिए जो मक्की भुननी है, भुट्टे तैयार करने हैं, ये लक्कड़ उनके लिए लगा दी है। अब मैं फटाफट से भून देता हूँ बच्चों के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर की साइड चूल्हा बनाते हुए यहाँ पे ये रख दिए हैं मक्की, और मक्की रखने से नीचे की साइड जल रही है आग। और ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे
भुनने लग रही हैं ये। चिल्ला बना के कुकड़ी बना रही है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मक्की हो गई है तैयार। अब मैं सबके लिए लगा देता हूँ ये नींबू और ये नमक। ब्रदर क्या होता है? ब्रदर भाई। इसका जेंडर क्या होगा? अच्छा, इसका जेंडर क्या है? सिस्टर। सिस्टर क्या होती है? गुड्डू दीदी। सिस्टर गुड्डू दीदी होती है। बहन भाई, बहन ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। ठीक है, लिखो पहले ब्रदर लिखो। तो जी यहाँ मैं दो दो काम कर रही, मिठाई वगैरह बन के तैयार होगी, सबको खिला दी, कुकड़ी भी सबना खा ली। तो अब मैं करवा रही ईशु का होमवर्क भी करवा रही, और कपड़े पड़े तो साथ साथ कपड़ों की भी तय करवा रही, क्योंकि इसको चाहिए कोई ना कोई बताने के लिए। वैसे कॉपी वगैरह में से तो कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल में से थोड़ा सा बच्चों को, मतलब अभी छोटी है इतना नहीं कर पाती, तो इसकी हेल्प करानी पड़ रही है। तो यहाँ मैं दोनों काम कर रही हूँ और बस कर लूँगी मैं भी इतना, ये भी तो एक घंटा तो कम से कम लगेगा इसके साथ, काफ़ी सारा काम है। और मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।